नमस्कार साथियों, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कहना है सर डीएलएड फोर सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। 2019 बैच वाले प्रशिक्षु का कहना यह है कि सर डीएलएड फोर सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो हम उनको बता देते हैं। साथी डीएलएड फोर सेमेस्टर का और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं आपके, वह जैसे ही आपका कापी चेक होकर जुलाई तक आ जाता है उसके बाद ही अनाउंसमेंट हो जाने चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक रुकावट है, पता है रुकावट क्या है साथी? स्कूटनी के फॉर्म। अगर जो बच्चा बैक लगाता है वह ज़रूर स्कूटनी के फॉर्म भरेगा, और अगर आप में से किसी एक बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो ये प्रोसेस फिर से 2.5 महीने का होगा, और 2.5 महीने के बाद ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर ऐसे में मान लीजिए प्रदेश सरकार का मूड घूम गया, कोई वैकेंसी आ गई, तो आप इधर इधर मतलब कहीं के भी नहीं रहने वाले हैं। वैसे तो बहुत बड़ी लिपापोती हो चुकी है प्राथमिक भर्ती, लगभग 2.5 साल तक 2 साल तक उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है, ठीक है ना? आगामी 2 साल तक 2.5 साल तक नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती। यह पूरा जिस प्रकार से इन्होंने एक तरह से अपना पक्ष रखा हुआ है हमारे शिक्षा मंत्री, तो हमको यही कहना चाहते हैं आप स्कूटनी के फॉर्म का विरोध करेंगे, हमें स्कूटनी का फॉर्म नहीं भरना है। बच्चों इसको शेयर करो, अगर कोई एक बच्चा भी भर दिया स्कूटनी के फॉर्म में 100 रुपये जा रहा है उसकी हमको नहीं टेंशन है, 100 रुपये जाए वो 100 रुपये भले ले ले, लेकिन अगर स्कूटनी के फॉर्म आप में से एक भी बच्चा भरा तो आप समझ सकते हो कि डीएलएड का रिजल्ट अगर जुलाई में आता है, डीएलएड का रिजल्ट अगर जुलाई में आता है तो इसका जो रिजल्ट जुलाई में आता है साथी, और जुलाई के बाद अगर 1 महीने ये लेते हैं तो अगला सेमेस्टर या तैयारी करा सकते हैं, अगला सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले सकते हैं, हमारा कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप खुद सोचो, अगर यह सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेने से पहले, क्योंकि बच्चों का बैक लगेगा, बैक के कारण बच्चे इधर उधर करेंगे, बच्चों का मन में पता है कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नंबर बहुत अच्छे गेन करके आते हैं भाई, उसमें ज़्यादातर चांस मतलब ज़्यादातर लापरवाही होता है हमारे संस्था का। हम ये भी मानते हैं बहुत सारे कमज़ोर भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो पास हो जाते हैं कहीं ना कहीं अगर अपने दिमाग से थोड़ा सा अगर लिख देते हैं, और जो बच्चे तेज़ होते हैं फेल हो जाते हैं, ऐसी भी सूचना सुनने को मिलती है। तो बच्चे जो तेज़ होते हैं थोड़ा सा लिख कर आते हैं, मतलब कि होते हैं अच्छे खासे लिख कर आते हैं, मैथ में अच्छा नंबर करके आते हैं, उनका नंबर 1 नंबर से 2 नंबर से बैक लगा दिया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एग्रेसिव तो होंगे ही, और वह अपने अभ्यर्थी को वह चैलेंज करना चाहेंगे, साथ ही ज़रूर चैलेंज करेंगे क्योंकि उनके अंदर ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटता है, तो स्कूटनी के फॉर्म भरते हैं। तो हम कहते हैं इस बार आप स्कूटनी के फॉर्म ना भरिएगा साथ ही, अपने चक्कर में आप दूसरे यानी कि आगामी सेमेस्टर के लिए आप एक तरह से बहुत बड़ा दीवाल खड़ा कर देंगे। ऐसे में कह लीजिए कि आपके एग्ज़ाम 1.5 से 2 महीने तो हमने कम ही बता दिया, 1.5 महीने भी कम बता दिया, कम से कम अगर बात करें तो 2 महीने आपके डिले होने वाले हैं। वैसे पिछली बार आप देख ही लिए थे कि 3 महीने के अंदर ना ही स्कूटनी का रिजल्ट आया है आज तक, तो 3 महीने अगर आप लेते हैं तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तो ऐसे ही निकल जाएगा साथ ही, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, हो सकता है स्कूटनी के रिजल्ट के पहले पहले अनाउंसमेंट हो जाए, अक्टूबर सितंबर। अगर स्कूटनी के रिजल्ट स्कूटनी का प्रोसेस ये चलाते हैं, अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आपके रिजल्ट के बीच में ही हो सकता है यह फॉर्म निकाल दें, मतलब अगले सेमेस्टर का। तो ये ऐसा नहीं कि तुरंत ये फॉर्म निकालेंगे, लेकिन स्कूटनी का फॉर्म ये तुरंत निकाल सकते हैं 10 से 12 दिन के अंतर पे। और यह भी नहीं है कि सारे सेमेस्टर का रिजल्ट एक ही साथ आ जाएगा, सारे सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद ही, मान लीजिए जुलाई तक रिजल्ट आपका सारे सेमेस्टर का आ जाता है लास्ट जुलाई तक, ये भी संभव नहीं है, या फिर कह लीजिए 15 अगस्त तक सारे सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, तो 10 से 12 दिन में ये स्कूटनी के फॉर्म निकालने के बाद साथ ही ये करीब फॉर्म भरवाएंगे, लगभग 10-15 दिन 1 महीने तक बच्चे फॉर्म भरेंगे, सारे बच्चे फॉर्म भर लेंगे तो अगस्त के बाद, मान लीजिए अगस्त बीत गया, फॉर्म भरते भरते अगस्त मान लीजिए, कम से कम समय बता रहे हैं आपको, ज़्यादा भी लग सकता है इससे, अगस्त में बच्चे फॉर्म भर लिए, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर अगर 2 महीने में रिजल्ट देते हैं स्कूटनी का, तो अक्टूबर ऐसे ही निकल जाएगा आपका, अक्टूबर निकलेगा, अक्टूबर के बाद नवंबर तक या मान लीजिए रिजल्ट देते हैं, तो नवंबर में हो सकता है, हम एक तरह से जाहिर कर रहे हैं अपना, हो सकता है कि यह स्कूटनी प्रोसेस चलने के बीच में ही सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक 15 दिन तक आपके एग्ज़ाम कराए जा सकें। तो यह भी तो बहुत देर हो चुका है, यह देरी सिर्फ स्कूटनी के कारण हुआ है, स्कूटनी के रिजल्ट की कॉपियां चेकिंग होने लगती हैं, इस वजह से आपसे मेरा विनती है कि आप इसको बायकॉट करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि भी और प्रशिक्षु हमारे इससे अवगत हो सकें। मान सकते हैं हम बहुत सारे दिलों को आहत किए हैं, क्योंकि उनका एक तरह से वह चैलेंज करने वाले हैं कि सर अगर हमारा बैक लगा तो क्यों लगा, चैलेंज कर सकते हो बच्चों, क्योंकि आपके पास यह राइट है, आप चैलेंज करने लायक हो, चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज करना भी चाहिए। लेकिन प्रशिक्षु आप सोचो, अगर आपका फिर से चैलेंज किए और आपने नो चेंज लिख कर आया, तो आप तो अपने साथ और ज़िंदगियां तो बर्बाद की है ना।
तो प्लीज़ आपसे विनती है, अगर आप इसको बाइकॉट करोगे तो 100-100 रुपये बहुत बड़े होते हैं। जब अंबानी फ्री में निकाले थे जियो, तो आप खुद सोचो बहुत 1 साल तक 1.5 साल तक बच्चों फ्री में यूज किया गया। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उसमें हमें एक तरह से मोनोपोली दिखती है, मतलब एक तरफा दिखने लगा है। तो आप खुद सोचो, तो ये चीज़ें आपके सामने अगर हो रही हैं तो आप इसका आवाज़ आप ही नहीं उठाओगे, अगर मान लीजिए हमारे माध्यम से उठाओगे, लेकिन उठाओगे तो आवाज़, तो हम विनती करते हैं सारे बच्चों से स्कूटनी का विरोध करना है, स्कूटनी नहीं भरना है, किसी भी प्रशिक्षु को भले कुछ भी हो जाए स्कूटनी के फॉर्म नहीं भरना है। कितना भी आप ज्ञानी क्यों ना हो, आपका 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगा तो स्कूटनी के फॉर्म नहीं डालने हैं बच्चों, नहीं डालने हैं तो नहीं डालने हैं। अगर आप चाहते हो सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर हम बैक देकर क्लियर कर सकते हैं तो स्कूटनी नहीं डालने हैं आपको, ये चीज़ें मानिएगा। और आपसे विनती है भाई कि अगर स्कूटनी डालते हैं तो प्रोसेस लंबा खींचेगा और एग्ज़ाम आगामी लेट होगा। और ऐसे में जो हमारे ये बच्चे हैं, क्या नाम है भाई, प्रत्यावेदन वाले बच्चों का भी इसी समय एग्ज़ाम कराया जाएगा। और ये बच्चे जिनमें जिनका एक सब्जेक्ट में प्लस एक सब्जेक्ट में और मतलब दो सब्जेक्ट में बैक है, एक में उनका चांस हो चुके हैं, एक बैक है, तो ये प्रशिक्षुओं के लिए एक तो बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है। ये लोग अपना गुट बनाएंगे 20 के बाद, एक बार हो सकता है इनके कुछ बच्चों के वकील हैं जो कि वकील के द्वारा वह कंडक्ट कर कुछ पैसे वगैरह लेकर यह चैलेंज करने वाले हैं, एक तरह से RTI मतलब कि रीट लगाने वाले हैं हाई कोर्ट में। तो ये तो सही है इनका तरीका, लेकिन जो बच्चे एक में केवल बैक है 3 बार, तो वह प्रत्यावेदन देने जाएंगे रिजल्ट के बाद या फिर रिजल्ट के 10 दिन पहले से वो प्रत्यावेदन देने जाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में उनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकेगा आगामी 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के साथ। बच्चों अभी सुबह हमने एक वीडियो बनाया था, दोपहर मतलब शाम के समय हमने डाला था, जिसमें यह था कि जो बच्चे KVS के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो सीटेड जिनका क्लियर है वो KVS का फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और सीटेड के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर सीटेड का फॉर्म कब तक आएगा, सीटेड का फॉर्म इस साल एक ही बार आने वाले हैं, साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने डिले कर दिया उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था दोपहर में, उसको भी आप देख लेंगे, जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।